यार इस बार शुभम भाई के बर्थडे में मजा नहीं आ रहा, क्या बात है शुभम भाई, बर्थडे में मजा नहीं आ रहा कुछ अभी तक। मजा तो आएगा ही नहीं भाई जी, इस बार तो मजा ही नहीं गरीबी है। अरे इस बार सर्वर का भी थोड़ा इशू हो रहा है यार, सर्वर नहीं तो करना का भाई जी, ऐसे कहीं जा ही नहीं पा रहे। क्यों बाबा कहाँ जाने की सोच रहे थे इस बार? मसूरी, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख कौन सा पिटू ची रहेगी कुछ भी मसूरी यार, लद्दाख जाएंगे भाई। हाँ आपको पता है मसूरी क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? वर्ल्ड में ना, वर्ल्ड में जो डार्क सन वो होता है ना, सनसेट होता है, डार्क सनसेट नहीं है वो, विंटर लाइन डार्क सनसेट, सूर्य ग्रहण। क्यों आप इतने कॉमेडियन? सूर्य ग्रहण वो सिर्फ दो जगह दिखती है, एक तो दिखती है बगल में स्विट्जरलैंड में, एक तो दिखती है बगल में, और एक दिखती है हमारी मजबूती में। नहीं यार क्या चाहिए? बंदूक। क्या कर रहा है बंदूक का? गोली का गोली मारनी है क्या? मैं दूंगा 8000 का सेशन है भाई साले पूछने। और मुझे कल उससे क्या है हार्दिक पांड्या ने? अरे कुछ नहीं, पांड्या तो चलो आउट हुआ, उसने बुड्ढे ने 12-13 सिंगल जोड़े, एक रन से 8000 का सेशन हुआ। सेशन चल रहा तुम्हारा? ये कुछ नहीं बोलना चाहता, डिस्प्रेशन में है ये, अब डिसिप्लिन दिलानी पड़ेगी। वही क्या हुआ भाई, तो माल लग गया भाई। है क्या हरियाली दिख रही है यार, सोनी आगे देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनी सोनी तो भाई इस यहाँ पर हम पिछली बार भी आए थे शुभम के बर्थडे पे, तो इधर नीचे जाके एक स्पॉट है तो वहाँ पे चलते हैं। वही जगह है जहाँ शुभम का पिछली बार 11 था ना, 11 खराब हुआ था भाई जी, यही आदमी है वो जो कोई, मैं भी तो आया था यहाँ, तो हुआ नहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट। तू नहीं था भाई, मैं गोल्लू भाई आ रही थी। तू हर बार यही मनाता है क्या बर्थडे छपरी? चल यार जल्दी, ओवर एक्टिंग सच में मत गिर जाइयो बस। अबे तू गाली क्यों दे, मैं अभी ब्लॉग में डालूंगा, नहीं तो सॉरी बोल दे, अभी सॉरी बोल दे, खा मांग सम लौंडे हम अब नहीं बसता। वो हम कहाँ आ गए गोल्लू भाई, ये तो वो जगह ही नहीं है, पिछली बार बाढ़ में भेगी क्या? तो गाइस ये है, मतलब इधर तो कॉमन ही है ये सब विकास नगर साइड में। हाँ पर अगर तुम मुंबई दिल्ली से देख रहे हो तो भाई तुम्हारे लिए अनकॉमन जगह है, बीच से एक नदी बह रही है जो कि आगे जाके डैम साइड, ये हरिपुर वाला पुल है। चलो ये उठाई मैंने लकड़ियाँ, बस ज़्यादा नहीं उठा ली। और ये है हमारे सत्यम सूर्यो वाले, स्पीच देगा मेरे साथ, बहुत टैलेंट। अरे आ रहा भाई जल्दी, उनने भयंकर हद्दी कर रखी। आ गया भाई, आ गया, तैयार रही, आ गया मैं ताना। यही हरकत भाई। तो आप लोग देख सकते हैं हम आज से खनन शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लेबर आ गए, और ये हमारे लेबर देख सकते हो आप लोग, अभी अपने लिए थोड़ा खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो हम कल से यहाँ पे खनन शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन तक खनन, हम यहाँ पे अब खनन माफिया बनने वाले हैं विकास। तो गाइज आप लोगों का समर्थन चाहिए थोड़ा बहुत, तो लेबर के हम पे अभी 3 ही है, और अगर थोड़े लेबर आपके संपर्क में हो तो कृपया हमें थोड़ा उनका कॉन्टेक्ट दे दीजिएगा, और दिहाड़ी मजदूरी हम उनके हिसाब से देंगे जो वो मांगेंगे। ठीक है ठीक, धन्यवाद भाई लोगों। तो भाई ये है जगह, खूबसूरत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, इंटरटेन करने लायक जगह है। बाकी सामने बच्चे तैर रहे हैं, तो यार मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं घर जाके फिर मैंने गांव से मट्ठा भिजा रखा था, उसका एक गिलास पिया, तब जाके मेरे फुर्सत आई कि भाई चले जाता हूँ, रोज़ रोज थोड़ी आता ये शुभम का बर्थडे, तो बस फिर आ गए। मैंने खींच रहा फोटो काटो गोल भाई अंदर ढंग से है, अंदर भी रख लेना थोड़ा, ठीक है ढंग से तक। हाँ भाई क्या कहना चाहते हो ब्लॉगर साहब? ये शुभम भाई एक बात पूछनी थी आपसे। जी बोलिए सर, बोलिए जी। आग जलाई आपने, ये कितनी माचिस तिल्लियों में जलाई? एक माचिस।
हमारे मास्टर साहब दी अंशुल चौहान, ऐसे कर दूं मैं। अरे क्यों कर रहे बंद गुल्लू भाई, वाली मेरी बात तो सुनो। अरे और लगा ले, इतना ढंग से तो लगाया नहीं आपने। तो भाई प्लान था हमारा मसूरी का, नहीं आना पड़ा यहाँ पर। यहाँ पर दूसरा बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शुभम का, और पिछली बार भी चिकन था तो इस बार भी चिकन है, और सेम प्रतिक्रिया वही है भाई, भुना क्या है, कौन सा है, रोस्टेड रोस्टेड चिकन बना रहे हैं भाई। और काम वाम अभी कर लिया हमने, अब सीधा आग में झोंकेंगे से और तैयार हो जाएगा सब कुछ। चलो पहले हाथ धो लेते हैं क्योंकि इसमें मिर्ची वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। थोड़ा बैठ जा रहा आशीष। तो अभी हमारे डेली व्लॉग का थर्ड व्लॉग अपलोड हो चुका है, ये चौथा व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, और इसमें हमारा फुल सपोर्ट करा है मेरे भाइयों ने, मेरे मोहल्ले के भाई। ये बाबा का मैं आपको इतिहास बता दूँ, बाबा मेरे बचपन का दोस्त है, हम चड्डी बड्डी आ रहे हैं भाई, साथ में खेले कूदे लड़े, आपस में मर्डर करें हमने एक दूसरे के, फिर जिंदा हो गए हम वापिस। तो यही जिंदगी है भाई। और बाकी शुभम को दिखा दो बर्थडे बॉय, कितने साल का हो गया शुभम? मैं हो गया भाई 21 साल का, 21 साल के नौजवान, साल का नौजवान हो चुका है यहाँ पे। अब नाबालिग नहीं रहा इनकी तरह, जो ये 12 का ही अभी नाबालिग है, नाबालिग, और ये भी बालिग हो चुका है। और हम तीनों यार जो है अपने मोहल्ले के दुर्गा विहार, और दो हमारे वहाँ पे बच्चे हैं। तो भाई जो हमारे डेली ब्लॉग आएंगे गाइस, अब डेली से डेली आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ जो हमारे 30 दिन अभी गुजरने वाले हैं, इसमें से एक ट्रिप हमारी लगेगी कम से कम 10 या 15 दिन की, वो चाहे हमें कैसे ही अरेंज करनी पड़े, पर मसूरी की जरूरत लगेगी। मसूरी तो कभी भी लग सकती है, एक दो दिन में लग सकती है, ऐसे आज का था, बट हमारे बैंक सर्वर की वजह से आज। तो डेली ब्लॉग हम बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, डेली ब्लॉग तो हमने निकालने ही निकालने। और गाइस अब ब्लॉग इधर से भी बन रहा है, दूसरा चैनल भी है एक। हाँ तो शुभम का चैनल मैं मेंशन कर दूंगा, वही कह रहा हूँ मैं। अब दोनों भाई को सपोर्ट दिखाओ, कुछ दोनों भाई को प्यार दिखाओ, और एक से एक ट्रिप आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो को कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ शेयर करना है चार लोगों को, उन चारों को बोलो, चार को आगे भेजो, चार को सब्सक्राइब कर लेना, सारे के सारे सब्सक्राइब लाइक शेयर दबा आगे कर दो गाइस। सारे मेहनती लड़के अपने साथ के, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है गुल्लू भाई? कौन है? खुश कर दिया है, संतुष्ट कर दिया आज। कोई भी दे दो, मैं कोई दे दो, नींद नहीं आएगी रात। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा ये मंडोली से देख रहा है तो बजानों के घर में इसे जल्दी जल्दी से फॉरवर्ड कर दें ये वाली वीडियो। क्या सोचा है हमने कि जो हम वैसी नो मनी ट्रिप मारेंगे, अभी बहुत जल्द आने वाली है वो ट्रिप, तो उसमें हम कहाँ जाने की सोच रहे हैं, मतलब दूर ही दूर बता दें। उसमें हमें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, पर हम जितना हो सके, जितना दूर स्पीति लेह लद्दाख जहाँ तक हो सके हम जाएंगे। तो हम आपको सिखाएंगे कैसे आप नो मनी नो हनी। अभी तक हमने कुछ नहीं सोचा हुआ कि हम कहाँ जाएंगे, पर जाएंगे जरूर ये है। इसी अप्रैल में हम निकल जाएंगे। तो ऐसे ब्लॉग के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, और भाई का चैनल मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना भाई को, शुभम भाई को। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिप आने वाली है, चैनल का नाम शुभम तोमर ही है। ओके तो शुभम तोमर मैं नीचे मेंशन मार दूंगा, तो जाके भाई को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे इस महीने में भी, और इसके बाद जितना भी पूरा साल रहेगा हम डेली ब्लॉग अभी 30 डेज तक करेंगे। अगर हमसे सक्सेसफुली वो हो जाता है तो उसके बाद हम उसे आगे बढ़ा देंगे 3 मंथ 6 मंथ, और फिर पूरे साल के लिए ब्लॉगिंग हो सकती है। तो सब अनएक्सपेक्टेड है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बेसब्री से था जिनका इंतजार, वो आ चुके हैं हमारे बीच रवि भारद्वाज। बड़ा समय लगा आने में, क्यों? टैटू बॉय अजय, अजय भाई का भाना मार दो। अजय भाई खाना बनता हुआ। अंशुल भाई अब क्या कर रहे हो? इसमें वो मत दिखाइए जो हम इसमें मिलाएंगे ना चुपके से। अच्छा अच्छा, वो जो पीछे रखा हमने, ठीक है ठीक है। ये देखिए एक सटेरी हमारा, ये सटेरी बॉय कम खेल लो, अरे खा लो पहले थोड़ा बहुत। भाई नहीं, दो दिन से चुन नहीं लग रहा। कैसा बनाओ गुल भाई, ठीक लग रहा मुझे तो। भाई गरम है भाई, भी कैसे दो दिन से 10-10 हज़ार जीत रहा मैं, 7-7 हज़ार। ओह माय गॉड, नो छिड़ो दो सुबह थोड़ा सा काला नमक। काला नमक कौन सा? ये हांसुल भाई। हां जी, कैसी रही फिर पार्टी? पार्टी अब खत्म होने के कगार पर है, अब बचे हैं सिर्फ मोमोज। क्यों, और वो क्या है उधर? हाँ वो भी है, वो तो हमारे लिए बाबा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब बर्थडे बॉय अलग ही बैठे हुए, पूछ भी नहीं रहा कोई पार्टी के बाद। तो पेट फुल इतने आराम से बोल रहे हैं, कभी नहीं सुनाए गए, समझ तो लेंगे।
सत्यम का फोन चुरा लिया है भाई, और अब देखते हैं क्या रिएक्शन निकलता है। ये दोनों हैं मेरे पीछे, चोर गायब है ना, गायब है ना, फुल गायब है ना, जमा करने मत जाना कहीं, ये गायब है ना, फुल क्या, फुल गायब है ना, गायब है ना, सिस्टम क्या है, सिस्टम कौन सा, एटीएम है, एसबीआई डिजिटल मशीन है, सिस्टम है भाई, मेरे अकाउंट की फोन है भाई, हमारे आगे तो टिक पाएंगे बाबा, टेंपर का फर्क है साले, अरे टेंपर जाए, इसने भी उतार इलेक्शन के लिए पैसे यहां से जमा करते हुए। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का ब्लॉग खत्म, शाम हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो चलते हैं अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, और हमारे साथ हैं यहाँ पर रशिया से आए हुए बहुत बड़े प्लेयर जिनका नाम है टोनी फर्ग्यूसन, वाइड है पांडे।